अब दिख रहा दिख रहा जी, अभी दिख रहा। अरे अफशीन, तुम तो बिल्कुल स्मार्ट लग रहे हो आज। क्या कुछ हेयर स्टाइल सब बदल दिया क्या इसने? जी हाँ। अरे आजकल के बच्चे है ना। क्या अफशीन, ये हेयर स्टाइल कहाँ से सीखा है तुमने? अच्छा, अपने आप किया है? बोलो ये भाव, मेरी जो वाइफ है ना, उन्होंने इसको सिखाया है। अच्छा, वेरी गुड। और कैसे हो? अच्छा, तुम्हारा पैर में दर्द होता था ना, उसके लिए मैंने हार्ट सपोर्ट लिखा था, उससे फर्क पड़ा है? जी हाँ, उससे काफी इम्प्रूवमेंट हो गई है। अच्छा हाँ, उसको हर वक्त पहन के रखना है, क्योंकि उसका है ना पैर थोड़ा सा फ्लैट है, उसकी वजह से है। और चल फिर रहे हो खूब? ये कितना? कितनी अली? 10 किलोमीटर? 10 किलोमीटर चल लोगे? 10 किलोमीटर नहीं चल पाएगी। अच्छा, 1 किलोमीटर? एक किलोमीटर भी मुश्किल है, हाफ हाफ किलोमीटर। अच्छा, क्यों दर्द होता है? नहीं, ज्यादा चलती है तो इसको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। फिर वो मेरे ख्याल से ना, वो जो ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ था जी। तुम्हें याद है मैंने बताया था एक सिस्ट था स्पाइनल कॉर्ड में, ऊपर स्कल के अंदर सबसे ऊपर जो स्पाइनल कॉर्ड का टर्मिनेशन होता ना, वहां पे सिस्ट बना हुआ था, क्योंकि इतने साल कंप्रेस होके वो रिलीज तो हो गया और वो कैविटी खत्म हो गया है। लेकिन मेरे ख्याल से उसका जो इफेक्ट सेल्स पे पड़ा होगा ना, वो धीरे धीरे ही जाएगा, पर पहले से चलने में आराम है। जी हाँ, बहुत काफी इम्प्रूवमेंट है इसकी। वेरी गुड। और बैलेंस कैसा है? बैलेंस तो सही है, लेकिन जो इसके पांव है ना, जैसे ये हमारे पांव सीधे हैं, हाँ इसके पांव ऐसे टेढ़े हैं। अच्छा। दोनों ही पांव ऐसे ऐसे टेढ़े हैं। अच्छा, एक काम करो, इसका फिर है ना चलते हुए विदाउट शूज, क्या कहते हैं इसको, नंगे पैर। जी हाँ, जी जी बिल्कुल। और जो पजामा लेग्स है ना, सलवार या कमी, हाँ सलवार लेग्स, उसको ऊपर रोल करके, ताकि मुझे आधा टांग और पैर अच्छी तरह दिखें, वीडियो लेना चलते वक्त। जैसे आपको मैंने पहले, जैसे ये है ना, जैसे समझ लो ये पैर है, तो मुझे यहां से दिखना है टांग, टांग का एटलीस्ट आधा हिस्सा, और पैर जब चलती है दोनों पैर दिखना चाहिए वीडियो में। सही है, ठीक है। और अफशीन, कुछ क्वेश्चंस? मेरे पास क्वेश्चन है, मैं पूछूंगा आपसे। हाँ पूछो। आपको याद होगा आफ्टर सर्जरी के बाद इसको कान में तकलीफ हुई थी, आपको याद होगा वहाँ। हाँ, याद है आपको? हाँ, तो उसके उसके एक साल बाद इसको फिर से पेन हुआ कान में, मतलब पेन भी हुआ और थोड़ी सी इचिंग भी हुई। तो मैंने डॉक्टर अनिता बख्शी से रब्ता किया मैंने। उसने कुछ मुझे दवाई भेजी थी, वो मैंने ले ली, मैंने यहाँ फार्मेसी से ले ली। अच्छा। वो मैंने सफशीन को दी, उससे काफी फायदा हो गया, इम्प्रूवमेंट हो गई। लेकिन अभी 2 दिन हो गए इसको, फिर से जो सेम एयर है ना, उसी में अभी इचिंग भी हो रही है और पेन भी हो रहा है। अच्छा,
पर दूसरा कान तो काम कर रहा है ना, दूसरा कान में सुनाई देता है? जी हाँ, दूसरे कान में सुनाई देता है, लेकिन आज मैंने फिर से डॉक्टर अनीता से रब्ता किया था, मैसेज किया मैंने, उन्होंने मुझे कुछ ड्रॉप ड्रॉप लिख के बताए मुझे, तो वो मैं लेकर आया हूँ अभी ड्रॉप्स। हाँ, ये है ना, जनरली सबसे कॉमन कॉज होता है ईयर वैक्स, कान के अंदर है ना वैक्स, वैक्स सब जम जाता है। डॉक्टर अनीता ने उसके लिए नट ड्रॉप्स लिखा होगा, उससे सॉफ्ट हो जाता है, ये क्लीन करती है कान को। उन्होंने जो ड्रॉप लिखे है ना वो यहाँ तो नहीं मिल रहे, लेकिन के अपोजिट में कोई फार्मूले के मुताबिक मिल रहे, मैंने उनको बताया और उनको ये दिखाया, उनको फोटो भेजी मैंने, उन्होंने बताया ये सही है। अच्छा, ये तो एंटीबायोटिक है और लोकल एनेस्थेटिक भी है, ठीक है, अच्छे ये डाल सकते हो, लेकिन है ना कान को साफ करती है या करते हैं कोई इसकी? कान को साफ करती है। अच्छा, ये जब डालोगे ना, सॉरी एक मिनट, जब ये कान को खुद ही सफाई करती है ना, तो इसके हाथ जो है ना वो आपको पता है कि हाथ ऐसे ट्विस्ट हो जाता है, तो अचानक से ये कान में डालती है ना, तो इसको एकदम से झटका लग जाता है। हाँ, झटका लग देता है, तो मुझे डर है कि अंदर जो कान का पर्दा है ना वो कहीं तोड़ सही कह रहे हो, हाँ ईयर ड्रम, हाँ वो टूट नहीं जाए, सही कह रहे हो। लेकिन ये जो दवाई डालोगे ना, एंटीबायोटिक डाल सकते हो क्योंकि वो लोकल एक्शन है, पर उसके साथ लोकल एनेस्थेटिक भी है, जो सुन करता है ना दवाई वो भी है, इसलिए इसको कहना ये डालने के बाद सफाई नहीं करना, क्योंकि पता ही नहीं लगेगा अंदर सुन होगा ना, इसलिए कहीं ईयर ड्रम को डैमेज नहीं कर दे, ठीक है। दर्द खत्म होने के बाद है ना, 2-3 दिन के बाद कर सकती है ये दवाई, जब यूज नहीं कर रही है, ठीक है। और अच्छा, सवाल ये है कि आपने अफशीन की जो फिल्म डॉक्यूमेंट्री वो आपने देखी है, मुझे तफसील ने बताया। हाँ देखा है, हाँ अच्छा है, बढ़िया है, आपने देखी है ना, आप हमें बताएं कैसी है। काफी क्या कहते हैं इसको, दिलचस्प, समझते हो दिलचस्प? हाँ, मेरे फैमिली ने भी देखा था साथ में बैठ के, सबने कहा इसका बहुत दिल को छूने वाली स्टोरी है। अच्छा, बहुत अच्छा स्टोरी है, नहीं बहुत अच्छी है, शानदार। हाँ बहुत अच्छी है, हमने बहुत तो अच्छा अभी जब बन जाएगी तो हम देखेंगे। हाँ हाँ हाँ, अभी तो प्रीव्यू भेजा है उसको और करेंगे, काफी काम किया है तंजील ने। हमारी बात हुई थी परसों वीडियो कॉल पे तंजील से। हाँ 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 हाँ, बढ़िया है, बहुत अच्छा है, कुछ क्लिप्स दिखाए थे हमें। हाँ वेरी गुड, अफशीन ने देखा उनको क्लिप्स को? दिखाया अफशीन को तो, दिखाया वो उन्होंने। क्या कहते हैं आंटी ने, क्या कहा? तंजील ने बताया कि अभी कुछ और शॉट्स चाहिए मुझे, वो एंड में डालने हैं। बढ़िया है, नहीं वो बहुत जान लगा के काम किया, बहुत बढ़िया है। तो मेरे ख्याल से ना पूरा जब वॉइस ओवर सब कर देगा, जैसे महेंद्रा का था ना, वैस उससे भी बढ़िया होगा। लेकिन वो बता रहा था कि अभी जो हमारा अभी जो रहता है म्यूजिक और वॉइस ओवर रहता है। हाँ हाँ, वो ही हमें भी बताया। और आप परमानेंटली यूके में शिफ्ट हो गए हैं या नहीं? कभी कभी आऊंगा, पहले तो वहां पे काफी काम करता था ना, लेकिन अब बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां पे फैसिलिटीज इतने अच्छे नहीं है जितना मैं सोचता था। और प्रॉब्लम है ना, सारे जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स होते हैं, कॉर्पोरेट समझते हो ना, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उनका एक ही
एम होता है, खूब प्रॉफिट बनाओ, प्रॉफिट समझते हो, या फायदा। हाँ, तो उनका इतना ध्यान नहीं होता पेशेंट सेफ्टी और जो एडवांस्ड इक्विपमेंट है वो सब, उसका इंतजाम नहीं करते हैं। और फिर मैंने सोचा इतना खतरा लेके मैं काम कर रहा हूँ और पेशेंट को कुछ हो गया तो फिर मुझे कैसे लगेगा, हॉस्पिटल बाढ़ में जाए, हमें तो बहुत दुख होगा ना। तो मेरे ख्याल से ना आप तो अगर कोई हॉस्पिटल ऐसे दिखता है जिसमें सब कुछ है पेशेंट के लिए, सेफ्टी सब कुछ इंतजाम किया हुआ है, हो सकता मैं साल में एक बार दो बार आऊं, लेकिन जैसे पहले मैं लग के काम करता था ना, अब खुश नहीं हूँ ऐसे करने के लिए, क्योंकि खतरा तो पेशेंट को पड़ता ना। ऐसे मैं तो हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी थी वो सारा कुछ अच्छा ही नजर आया था। हाँ तुम्हें नजर आएगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है ना, जो इसको हेलो लगाया था ना सिर पे, याद है, पिन लगा के, वो लोकली, वो लोकल था, वो बाहर से नहीं था। अच्छा, अगर बाहर वाला लगाते हैं ना खूब पैसे लग जाते, वो एक्चुअली किसी और पे, हाँ वो एक्चुअली किसी और पेशेंट में यूज किया था, उसको फिर स्टेरिलाइज करके फिर अफशीन में यूज किया था, वो सब चीजें है ना, मरीज को क्या पता है क्या हो रहा है अंदर, है ना। तो देखने में या दिखावट में तो बढ़िया लगेगा, तो जो जो काम करते हैं उनको पता होता ना क्या और कैसा इम्प्रूव हो सकता है और पेशेंट सेफ्टी कैसे बढ़ा सकते हैं ये सब। सो जनरली है ना, इस ये समझो कि जो भी कॉम्प्लेक्स सर्जरी होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है डॉक्टर्स, कौन कौन डॉक्टर्स, फिजिशियन, एनेस्थेटिस्ट, सर्जन, पूरा टीम एंड जो सपोर्टिंग स्टाफ है, नर्सेस, ट्रेन्ड थिएटर नर्स हो, ये सब, ये लोग मिलके सेव करते हैं सर्जरी को। तो जो जो डेफिशिएंसी होता हॉस्पिटल का कि पेशेंट सेफ्टी पे ध्यान नहीं देते हैं, डॉक्टर और टीम को ज्यादा ध्यान देना पड़ता है इसकी वजह से। सही। और एक टाइम आता है जब तुम थक जाते हो, क्या है फायदा, क्या है, हम ही जान लगाते रहे, किसी को फिक्र नहीं है पेशेंट को कुछ हो जाए। सही। तो दुखी हो जाते हैं। कितने साल काम किया अपोलो में? अपोलो में मैं लगातार तो नहीं था, यूके में, यूके से कभी मूड हो गया तो निकल गया वहां पे, कुछ महीने काम किए, तो समझ लो एक्चुअली ज्यादा काम तो मैंने 16 से 6-7 साल समझ लो, वो भी बीच बीच में ही, कंटिन्यूसली नहीं, कंटिन्यूसली के लिए तो ना बहुत एफर्ट लगता है, और स्पाइन जो है, और जैसे मेरे पास मरीज आते हैं तो मोस्टली खराब होके या बहुत बीमारी बढ़ के तभी आते थे, तो बहुत फोकस करता था, तो मैं कम केस करता था और जिनका अच्छा हो सकता है उनको करता था बस। तो अगला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अब हमें अगले फॉलोअप के लिए हम कैसे आ सकते हैं? हाँ मैं बता दूंगा, मेरे ख्याल से ना हो सकता है मार्च या अप्रैल में हम वहां जाएंगे, जाने से पहले तुम्हें बताएंगे, फिर तुम्हें वीसा के लिए भी अप्लाई करना होगा ना। हाँ उस वो से बना डॉक्टर मनोज, डॉक्टर मन, मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ सॉरी, फंड्स के लिए भी मुझे कुछ करना पड़ेगा ना, एक तो वीजा हो गया, दूसरा फंड्स का वो इशू रहता है हर बार, क्योंकि हमारे पास तो इतने है नहीं ना कि हम कराची तक जा सके। हाँ आने जाने में वो सारे जो स्कैन वैन टेस्ट सब है ना, वो तो डॉक्टर मनोज
फ्री में करवा देंगे तुम्हें, ठीक है? सो और इस बार कुछ सर्जरी तो है नहीं, सो बेसिकली ये देखना है कितना अब टोटली सेफ है कि नहीं, सब कुछ ठीक हो गया है ना, और बाकी जो इसकी हाथ पैर की जो कमियां है उसका भी देख लेंगे, उसका भी देख लेंगे। तो डॉक्टर मनोज को मैं बता के रखूंगा कब आना है, ठीक है? तो वो है ना, उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम्हें मैसेज भेज दे या कांटेक्ट करे कि तुम्हें इस महीना आना होगा, और तो टेंटेटिव डेट्स बता देंगे, ठीक है, जब मैं वहां जाऊंगा। सो दो महीने तक तुम्हें नोटिस दे देंगे। तो आपका जो सेक्रेटरी था वो अभी नहीं है, सुशील जो नहीं, था? नहीं, नहीं, नहीं। अब तो कितने महीने हो गए मुझे वहां से, जून में ब्रीफली गया था, अगस्त में वापस आ गया, अब तो मैं मार्च अप्रैल से पहले नहीं जाऊंगा। तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। हाँ कर दूंगा, हाँ जरूर, नो प्रॉब्लम। अरे ये तो बहुत चुपचाप बैठी हुई है, सुन रही है ना सब? अफशीन तुम्हें कुछ सुनाई, याकूब कह रहा था तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता, तुम कैसे सुन रहे हो? थोड़ी मिगराट हो गया तो नहीं सुनाई दे रहा। अच्छा तो ये दवाई डालना शुरू करो, समझ गए? समझी, यस। चलो बढ़िया। अच्छा इसका जो फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत होती है तो हाँ, मुझे तो तुम कांटेक्ट कर ही सकते हो, अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम हुआ तो डॉक्टर मनोज को भी कांटेक्ट कर लेना, वो वही है ना, वो काफी हेल्प कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी आ जाऊंगा। ठीक है, चलो अफशीन बहुत खुशी हुई तुम्हें देख के, ठीक है, फिर से बात करेंगे, फिर से बात करेंगे, क्योंकि अभी तो मैं मार्च अप्रैल में ही आऊंगा ना, तो बीच में और दो बार फिर स्काइप वीडियो कॉल करते हैं। इसके भी अभी क्वेश्चन है लेकिन बोल नहीं रही। हाँ बोलो। मैंने तो आपसे पूछ लिए क्वेश्चन, मुझे जवाब मिल गए अभी इसके हैं, ये खुद ही पूछेगी आप? पूछो सवाल, पूछो ना, क्यों नहीं पूछना, पूछो ना का वो क्यों नहीं पूछ रही है? आप कब इंडिया जाओगे? अच्छा वही बात कर रहे थे हम, मार्च अप्रैल अगले साल मार्च अप्रैल, ठीक है, जो बीजो साल अच्छा ये बोल रही है। आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। हाँ आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी तबीयत के लिए ये दुआ गु है, दुआ कर। थैंक यू अफशीन, थैंक्स अफशीन। बोलो ये मेरे क्वेश्चन हो गए, थैंक यू, बाय। फिर मैं मैसेज करूंगा अगले महीने, ठीक है, फिर एक बार बात करते हैं अफशीन से, बहुत अच्छा लग रही है तो एकदम सही है। बोले ये मेरी आवाज जो है वो बहुत सही हो गई है, गुड ही बोल रहे। हाँ हाँ टाइम लगा था ना काफी, हुई है मुझे। आपको इसकी आवाज में इम्प्रूवमेंट कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, पहले तो बोलती ही नहीं थी, फिर जब बोलना शुरू हुआ मुझे समझ ही नहीं आता था, अब समझ आने लगा है, और जो क्लियर सुनाई दे रहा है अब, पहले इतना क्लियर नहीं होता था। मेरे ख्याल वही है जो शुरू से बता रहे हम सोच रहे हैं ना,
कि 12-13 साल से जो दबाव था उसकी वजह से वो ये ऊपर वाले ने इसको जिंदा रखा है. तो इसका मतलब है, इसका नाम सही है, अफशीन है ना, शाइनिंग स्टार. क्यों अफशीन, यही मीनिंग है ना तुम्हारा नाम का. आपको सर क्या लगता है, इन फ्यूचर अगर ये सही हो सकती है या पूरी लाइफ जो है पूरी लाइफ में ऐसे ही रहेगी? देखो जो सेरेब्रल पॉल्सी से प्रॉब्लम्स है ना वो तो नहीं ठीक होंगे. जो गर्दन से स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव था, जो वीकनेस सब था, वो तो मेरे ख्याल से करीब करीब बहुत इम्प्रूव हुआ है. इसका जो हाथ का और पैर का जो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता ना वो सीपी की वजह से है, स्पास्टिसिटी कहते हैं इसको. उसका है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा खराब नहीं है तो एक्सरसाइज से फर्क पड़ेगा. तो इसको थोड़ा यूट्यूब देखने से टाइम निकाल के इसको कहना हाथ पैर का एक्सरसाइज करते रहे, ऐसे करो अफशीन. देखो कर पा रही है, ये तो है, पहले ये भी नहीं कर पाती थी, अब पूरा मुट्ठी बनाया हुआ है दोनों तरफ. शुरू शुरू में ये नहीं कर पाती, अब कर सकती है. हाँ करो, वेरी गुड. अब बीच में थोड़ा सा वो है ना इफेक्ट आ जाता है सीपी का, बट पूरा मुट्ठी बना रही है ये तो, वेरी गुड. इसको खाना खाने में, हाथ सब वॉश करने में कोई दिक्कत तो नहीं है आप? नहीं, जो कुछ करती है अपने आप ही करती है, खाना भी खुद ही खाती है. ठीक है. अच्छा तो वो वीडियो लेके भेज देना. ओह वेरी गुड, तुमने बनाया है, एक्सीलेंट. इसका फोटो लेके भेज देना मुझे, ठीक है? पिक्चर का और वीडियो लेना, इसका फोटो भेजना. और तीसरा, नेक्स्ट टाइम जब बात करेंगे मुझे याद दिला देना कि इसका पूरा बाजू और टांग का, पैर का, हाथ का मूवमेंट्स देखना मुझे. ठीक है? सो वो काफी लंबा चौड़ा देखेंगे तो मैं उसको कहूंगा बाजू ऊपर उठाओ, खोनी मोड़ो, ये सब करो, ऊपर नीचे सब देखना है. ठीक है? हाँ वेरी गुड, ठीक सुयु, एक्सलेंट. इसने लिखा? जी हाँ. अरे ये तो बढ़िया है. आपको याद होगा कि जो डॉक्टर नायला खान थी ना यूएसए से, जिसने आपसे बात की थी वहाँ इंडिया में, हाँ. तो वो इसको पढ़ा रही है, ऑनलाइन पढ़ा रही है, स्टडी कर. वेरी गुड, एक्सलेंट. अरे अफशीन तुम तो अंग्रेजी लिखने लग गए, बढ़िया ड्राइंग बना रहे हो, वेल डन. ठीक है, फिर हम अगले बार बात करेंगे. और याद से वीडियो, फोटो, जो पिक्चर ड्राइंग्स बनाई है, और नेक्स्ट टाइम याद दिलाना मुझे कि पूरा एग्जामिनेशन ऑनलाइन ही करना है. ठीक है? और जो आपने बताए थे ना, जो शूज बताए थे पांव के लिए, हाँ. वो मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे आपको, मैंने शायद पिक्चर या वीडियो मैंने आपको भेजी थी शूज की. याद नहीं है मुझे, देखा जरूर होगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो मैं बता देता. सिग्नल पे भेजा था? हाँ सिग्नल पे भेजा था मैंने. ठीक है, मैं उसी पे है, उस पे होगा तो मैं फिर दोबारा देख के. मुझे प्रॉब्लम यही है ना, वो ही है, जब उम्र बढ़ता है थोड़ा भूलने लग जाते हैं. जरूर देखा होगा, और प्रॉब्लम होता तो मैं उसको बता देता है एकदम. ठीक है? फिर मैं देख, फिर से चेक करके तुम्हें सिग्नल पे मैसेज भेज देता हूँ.
ठीक है, वो शूज मैंने मंगवाए थे और इसमें इस्तेमाल भी किए, उसी शूज से इसे जो है फायदा हुआ, इम्प्रूवमेंट उससे हुई, काफी बेहतर उससे हुई जो शूज थे ना। हाँ अच्छा, ऑर्थोटिक्स जी, उससे फायदा तो, उससे फायदा तो हो गया, लेकिन वो अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा, अभी यूज नहीं कर रही, अभी उसने क्यों एक कर दिया है, क्यों वो थोड़ा काम करना पड़ता है उसको पहनने के लिए, तकलीफ थी, पेन था तब इस्तेमाल किया, अब तकलीफ नहीं है ना तो इस्तेमाल ही नहीं कर रही। बड़ी स्मार्ट है ये, हाँ क्यों आंटी, वेरी स्मार्ट। अच्छा फिर बात करेंगे अफशीन, गॉड ब्लेस यू, बाय 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 दोनों को, बाय बाय, थैंक यू, बाय।